गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लेट्स गो टू दिस जनरल पैकेज। जैसे हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट किया है, वोट एलिजिबिलिटी का हमने प्रोग्राम यहाँ पर क्रिएट किया है। सो लेट्स से गाइस हमें कुछ एक पर्टिकुलर प्रोग्राम फाइंड आउट करना है, जिसमें मुझे चेक करना है कि पर्टिकुलर नंबर इवन है कि ऑड है, ये मुझे फाइंड आउट करना है गाइस। द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलर नंबर इवन है कि ऑड है, ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, क्लास को नेम देंगे गाइस। क्लास का इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल, क्लास का इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल। अगर मल्टीपल वर्ड्स आते हैं जैसे कि इवन एंड ऑड, तो जब दो वर्ड आते हैं नेक्स्ट वर्ड का इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल। लाइक दिस आपका नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए। इवन ऑड नंबर्स मैं इस तरीके से कुछ दे देता हूँ। मुझे मेन मेथड चाहिए तो मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक कर दूंगा। सो नाउ वी हैव दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड। नाउ हियर गाइस हम लोग कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल गाइस ये इंटीजर नंबर है, यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है। इट कैन बी 1, इट कैन बी 0, इट कैन बी -51, इट कैन बी 2, इट कैन बी 52, इट कैन बी 77, एनीथिंग, कोई भी नंबर हो सकता है। हमें बस चेक करना है कि वो नंबर इवन है कि वो ऑड है। वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट वेदर द पर्टिकुलर नंबर विच इज एंटर्ड बाई यूजर वो इवन है कि ऑड है। तो गाइस मुझे पहले बताओ कौन से नंबर इवन होते हैं और कौन से नंबर ऑड होते हैं। कौन से नंबर टू इवन फोर होते हैं? सिक्स एट इवन ओके 2, 4, 6, 8 ये इवन होते हैं। वाई ये इवन क्यों होते हैं? जैसे ये 0 भी इवन होता है ना, 0 हो गया, 2 हो गया है ना, 4 हो गया आपका, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, गोज ऑन। ये सारे नंबर इवन होते हैं। वाई ये इवन क्यों होते हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल गाइस मैं इनको डिवाइड करने का ट्राई करूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी नंबर है, ये पर्टिकुलर नंबर गाइस मैं 6 ले लेता हूँ। 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 3s are 6, 2 3s are 6 और रिमाइंडर कितना आता है आपको? रिमाइंडर मिलता है 0। इट मीन्स जीरो गाइस ये कोई भी नंबर है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, आगे कोई भी नंबर हो, अगर वो इवन नंबर है, इवन नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना मिलता है हमें? रिमाइंडर मिलता है 2। सॉरी 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 माय बैड, यस रिमाइंडर 0 मिलता है। एंड कोई भी गाइस कोई भी ऑड नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल वो 1 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो 5 हो, वो 7 हो है ना, वो 9 हो, वो 11 हो, कोई भी नंबर हो गाइस, एनी नंबर, इसमें से किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 को डिवाइड करने का ट्राई करता हूँ, तो 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2s are 4, आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? यू विल बी गेटिंग द रिमाइंडर एज अ 1। तो दिस इज व्हाट आर सॉल्यूशन गाइस। अगर हमें रिमाइंडर 0 मिला तो पर्टिकुलर नंबर को, जिस भी नंबर को मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा और अगर मुझे रिमाइंडर 0 मिलता है, इट मींस कि वो कौन सा नंबर है? वो आपका इवन नंबर है। करेक्ट एवरीवन? किसी भी नंबर को हम लोग अगर 2 से डिवाइड करते हैं और अगर उसका रिमाइंडर 1 मिलता है या फिर अदर देन 0 मिलता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू कॉल देम एज अ ऑड नंबर, राइट? तो यही मुझे इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है। तो मुझे बताओ अगर मुझे रिमाइंडर आंसर चाहिए होगा तो मैं डिवीजन ऑपरेशन यूज करूंगा कि मैं मुझे मॉड्यूलस यूज करना पड़ेगा? मॉड्यूलस मॉड्यूलस यूज करना पड़ेगा, मॉड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ओके सो लेट्स से गाइस इंटीजर नंबर कुछ भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 5, ये 5 करके हमने नंबर लिया। नाउ नाउ गाइस हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन यूज करेंगे। ये जो भी नंबर है, नंबर को क्या करेंगे हम लोग? मॉड करेंगे, मॉड फाइंड आउट करेंगे। मॉड कितने से फाइंड आउट करेंगे? नंबर का मॉड ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे। और उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? रिमाइंडर आना चाहिए 0। गाइस यही मैं कंडीशन लिख रहा हूँ ना, कोई भी नंबर है, इस नंबर को मैं मॉड ऑफ 2 फाइंड आउट करूंगा अगर उनका रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आया। तो अगर मुझे इक्वल्स टू करना है तो सिंगल टाइम इक्वल्स यूज करना पड़ता है कि ट्वाइस आपको इक्वल्स टू साइन यूज करना पड़ेगा? आपको इक्वल्स टू साइन को ट्वाइस ट्वाइस यूज करना पड़ेगा, ट्वाइस क्योंकि अगर मैं एक बार यूज करूंगा तो ये कौन सा ऑपरेटर बन जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी द असाइनमेंट ऑपरेटर, साइन है ना? ये आपका इक्वल्स टू ऑपरेटर है जो दो वैल्यू को कंपेयर करेगा। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है स्पेसेस में, यहाँ से मैं स्पेसेस हटाता हूँ। नंबर का मॉड ऑफ 2 अगर ये इक्वल्स टू 0 हुआ, अगर गाइस रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब वो पर्टिकुलर नंबर इवन है कि ऑड है?
पर्टिकुलर नंबर इवन है कि ऑड है? इवन रिमाइंडर जीरो आएगा तो इवन है, तो मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख दूंगा। प्रिंटलन में मैं क्या लिख दूंगा कि दैट एंटर्ड एंटर्ड नंबर इज एंटर्ड नंबर इज इवन, एंटर्ड नंबर इज इवन। और मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पर प्लस सिंबल यूज करके मैं उस नंबर को प्रिंट कर दूंगा, करेक्ट। और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया, अदर देन कोई भी रिमाइंडर आया, तो वो कंडीशन में एल्स में लिख दूंगा। एल्स में मैं बोल दूंगा गाइस, चाहिए तो आप एल्स नेक्स्ट लाइन पे ले लो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए फिलहाल। नाउ हियर आई कैन राइट डाउन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं यहां पर लिख दूंगा एंटर्ड एंटर्ड नंबर, एंटर्ड नंबर इज क्या आ जाएगा, एंटर्ड नंबर इज ऑड आ जाएगा। अगर इवन नहीं है तो यू नो इट वेरी वेल कि अगर नंबर इवन नहीं है तो वो क्या बनेगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो आपका ऑड नंबर बन जाएगा। सो दिस इज माय प्रोग्राम गाइस, लेट्स रन द प्रोग्राम और चेक करते हैं कि वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ये फाइंड आउट करने के लिए केपेबल है क्या। सो आर वी गेटिंग द करेक्ट आउटपुट गाइस, क्या नंबर 5 इज अ ऑड नंबर, नंबर 5 ऑड नंबर है कि नहीं। सो यस, तो ये एग्जैक्टली हुआ क्या गाइस, यू गाइस कैन ऑब्जर्व हियर, आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो थोड़ा सा कि ये जो पर्टिकुलर नंबर था यहाँ पर, ये जो मैंने नंबर नाम का वेरिएबल लिया है, दिस वन नंबर की वैल्यू मैंने 5 रखा है, राइट। ये 5 यहाँ पर आ गया, तो 5 का मॉड ऑफ 2 फाइंड आउट किया। अगर 5 का मॉड ऑफ 2 फाइंड आउट करने पे रिमाइंडर कितना मिलना था हमें, रिमाइंडर मिलना था 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि सेटिस्फाई नहीं हुआ गाइस, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। नंबर ये 5 है, 5 का मॉड ऑफ 2 फाइंड आउट किया, तो अगर मैं यहाँ पर आके देखो नंबर है 5, 5 को अगर मैं मॉड ऑफ 2 फाइंड आउट करता हूँ तो रिमाइंडर मुझे क्या मिल रहा है, आई एम गेटिंग द रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1। अगर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1 मिल रहा है, बट मैंने कंडीशन यहाँ पे लिखा है नंबर का मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन हो गया फॉल्स। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो मैं इफ में जाऊंगा कि मुझे एल्स में जंप करना पड़ेगा, कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एल्स पार्ट में। ये एल्स में गया और इसने प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर्ड नंबर इज अ ऑड नंबर। क्लियर एवरीवन, मैं नंबर चेंज करता हूँ। नाउ मैंने नंबर 6 ले लिया गाइस, तो अगर मैं 6 का मॉड ऑफ 2 फाइंड आउट करूंगा, हियर मैं अगर 6 का मॉड ऑफ 2 फाइंड करूंगा तो 6 3s are 6, 6 माइनस 6 हो गया गाइस, रिमाइंडर कितना मिला आपको, रिमाइंडर मिलेगा 0। तो गाइज यहाँ पर नंबर ये 6 है, 6 यहाँ पर आ गया, 6 का मॉड ऑफ 2 का जो रिमाइंडर है ये 0 है, ऐसा हमने कंडीशन लिखा है। अगर ये कंडीशन देखोगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप कौन से वाले ब्लॉक में जाओगे, इफ वाले ब्लॉक में जाओगे कि एल्स वाले ब्लॉक में जाओगे, इफ वाले ब्लॉक में जाओगे, और ये प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर्ड नंबर इज अ इवन नंबर, ऐसा प्रिंट करना चाहिए। सो लेट्स रन द प्रोग्राम और वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा लॉजिक करेक्ट है क्या। आर वी गेटिंग करेक्ट आउटपुट एवरीवन, आउटपुट करेक्ट आ रहा है, एंटर्ड नंबर इज इवन नंबर, करेक्ट करेक्ट गाइस। कोई भी नंबर आप एंटर करके देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं 23 ये वाला नंबर एंटर करके देखता हूँ, तो 23 क्या आएगा, डेफिनेटली इट शुड बी ऑड। तो देखो ये ऑड आ रहा है क्या, कोई भी नंबर एंटर करके देखो, मैं -23 करके देखता हूँ, करेक्ट, एंटर्ड नंबर इज ऑड नंबर, करेक्ट एवरीवन। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू वर्क। कोई कंफ्यूजन किसी को, क्लियर है राइट दिस वन, इवन ऑड नंबर का लॉजिक समझ गया। यस यस, किसी को क्वेरी था क्या, जगदीश, यतीश, राघव, तुषार? नो सर, नो सर, क्लियर। अच्छा जीरो है, अगर मैंने नंबर को जीरो लिया तो क्या आएगा, जीरो इवन, इवन ही आएगा ना, क्यों, क्योंकि अगर ये नंबर जीरो है, जीरो को अगर मैं टू से मॉड फाइंड आउट करने जाऊंगा तो टू जीरोस आर कितना होगा, ये जीरोस ही होगा, तो रिमाइंडर वैसे भी कितना ही आने वाला है, जीरो ही आने वाला है, करेक्ट करेक्ट। तो दैट्स इट कि एंटर्ड नंबर इज इवन नंबर, क्लियर क्लियर है सबको, कोई भी क्वेरी है तो बता दो। और एक ट्राई करते हैं गाइस, मुझे फाइंड आउट करना है, अविनाश, यस, ये नंबर के आगे कौन सा सिंबल है, मॉड मॉड मॉड, ये वाला बोल रहे हो राइट, दिस वन मॉड, मॉड सिंबल है, शिफ्ट और 5 हम लोग करते ना, मॉड ऑपरेटर देखा था हमने,
सिंबल तो डिवीजन, जब हम लोग डिवीजन रेफर करते हैं तो डिवीजन में क्वेश्चन एज आंसर लेता है, राइट? बट हमें यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नहीं चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन रिमाइंडर, कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो हमें ये वाला ऑपरेटर, परसेंटेज वाला, मॉड्यूलस साइन, मॉड्यूलस का, मॉड्यूलस का, ओके, तो दैट ऑपरेटर वी आर यूजिंग इट ओवर हियर। नंबर का मॉड ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो। शायद ये थोड़ा सा फॉन्ट कुछ अलग है, इसीलिए वो थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आप लोगों को, ओके? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम गाइस। कुछ इसी टाइप का एक प्रोग्राम है कि मुझे चेक करना है कि पर्टिकुलर एंटर्ड ईयर लीप ईयर है कि नहीं है, ये मुझे चेक करना है। मैं कुछ ईयर एंटर करूंगा, वो ईयर लीप ईयर है कि नहीं है ये मुझे चेक करना है। कैसे कर सकता हूँ मैं? फॉर एग्जाम्पल गाइस, आपको पता होगा अगर ये 2000 ईयर है तो हम क्या करते हैं जनरली, लीप ईयर कितने ईयर्स के बाद रिपीट होता है? आफ्टर 4 ईयर्स, करेक्ट? तो अगर ये 2000 है तो 2000 के बाद 2004 आएगा जो कि लीप ईयर आएगा, फिर 2008 आ जाएगा जो कि आपका लीप ईयर आएगा। एम आई राइट एवरीवन? एम आई राइट? नाउ हम कोई भी ईयर ले लेते हैं, लेट्स से ये पर्टिकुलर ईयर जो कि 2000 ईयर है, इसको मैं डिवाइड करने का ट्राई करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि लीप ईयर आफ्टर 4 ईयर्स आने वाला है, तो ये 2000 को मैं मॉड ऑफ क्या फाइंड आउट करूंगा? मॉड ऑफ फाइंड आउट करूंगा 4। तो गाइस 4 5s are 20 हो जाएगा, एम आई राइट? 4 5s are 20, और ये 2 0 के लिए आप यहाँ पर 2 0s लगा दोगे तो ये भी 2000 हो जाएगा। 2000 minus 2000, आपका आंसर कितना आने वाला है? रिमाइंडर विल बी जीरो। तो अगर रिमाइंडर जीरो आया मतलब ये 2000 लीप ईयर है ना गाइस, यस और नो? Yes. अभी मैं नेक्स्ट ईयर ले लूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2001। अगर ये 2001 को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि ये लीप है कि नहीं है, तो सेम 2001 को गाइस मैं मॉड ऑफ 4 फाइंड आउट करूंगा, तो सेम ये डिवाइड हो जाएगा 500, और यहाँ पर 2000 आएगा, और आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? यू विल बी गेटिंग रिमाइंडर एज अ 1। तो अगर रिमाइंडर 1 है तो डज इट मीन कि वो लीप ईयर है? नो, राइट? सेम गोज टू आपका नेक्स्ट ईयर 2002। तो 2002 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा? आई बी गेटिंग रिमाइंडर एज अ 2, करेक्ट ना? अगर मैं यही चीज 2003 के लिए करूंगा तो 2003 को अगर मैं 4 से डिवाइड करने जाऊंगा तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा? आई बी गेटिंग द रिमाइंडर एज अ 3। अभी फिर से मैं 2004 को डिवाइड करने का ट्राई कर रहा हूँ गाइस। नाउ 2004 को अगर मैं डिवाइड करने का ट्राई करूंगा बाय द 4, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करने का ट्राई करूंगा तो ये 501 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा? एग्जैक्टली 2004 मिल जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0, करेक्ट गाइस? तो अगर मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा, इट मींस वो ईयर क्या है? वो ईयर लीप ईयर है, और रिमाइंडर मुझे 1 छोड़ के कुछ भी मिलेगा, दैट इज 1 2 3, कुछ भी मिले, तो उन ईयर को क्या मैं लीप ईयर कंसिडर करूंगा क्या? नो नो। तो दैट वी कैन राइट डाउन ओवर ईयर। यही हम लोग लॉजिक लिखने का ट्राई करेंगे। सो हम इफ में सॉरी हम न्यू में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, लेट्स से हम लोग लीप ईयर वाला प्रोग्राम करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में गाइस ये पर्टिकुलर क्लास में क्रिएट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इंटीजर एक ईयर ले लेता हूँ, ईयर में कुछ भी ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 2000 ले रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन लगाने के लिए कौन सा गाइस स्टेटमेंट यूज करते हैं हम लोग? इफ ब्रैकेट के अंडर यहाँ पर आपको कंडीशन देना है। तो लेट्स से गाइस अगर मैं थोड़ा सा साइज आपको आपके लिए इंक्रीज करूँ, आई थिंक दिस शुड बी विजिबल, राइट? सो अगर इफ ये जो ईयर है, ईयर का मैं मॉड फाइंड आउट करूंगा, मॉड ऑफ क्या फाइंड आउट करना है मुझे? मॉड ऑफ 4 फाइंड आउट करना है। ये इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आया, चलो मैं इसको ये जो इफ और एल्स का ब्रैकेट है ये मैं नेक्स्ट लाइन पे लेता हूँ। मैं इफ वाले ब्लॉक में हूँ, तो अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो व्हाट डज इट मींस? इट मींस कि एंटर्ड ईयर क्या है? एंटर्ड ईयर इज अ लीप ईयर। एंटर्ड ईयर इज अ लीप ईयर। एंटर्ड किया हुआ ईयर आपका लीप ईयर है ना? और प्लस हम लोग यहाँ पर ईयर को प्रिंट कर देंगे। फॉर एन टाइम बिंग मैं ये कंसोल को क्लोज कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा इफ वाला स्टेटमेंट। यहाँ पर मैं एल्स वाला स्टेटमेंट लिख देता हूँ गाइस। लेट मी गो टू द नेक्स्ट लाइन। यहाँ पर system.out.println यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर्ड
ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, करेक्ट ना? अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर जीरो छोड़ के कुछ भी आए, रिमाइंडर वन आए, रिमाइंडर टू आए, रिमाइंडर थ्री आए, इट मीन्स कि वो लीप ईयर नहीं है. तो एंटर्ड ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, और मैं यहाँ पे प्लस ईयर को प्रिंट कर दूंगा. यहाँ पर मुझे इक्वल्स टू साइन भी चाहिए या फिर कोलन चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप अपने मर्जी से अपना स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन कर दो. एंड नाउ लेट्स रन द पर्टिकुलर प्रोग्राम. चेक करते हैं कि एंटर्ड ईयर लीप ईयर है क्या. सो इट इज प्रिंटिंग एंटर्ड ईयर इज अ लीप ईयर. एंटर्ड ईयर इज अ लीप ईयर विच इज 2000. क्या ये करेक्ट है गाइस? करेक्ट है ना? नाउ ईयर चेंज करके देखते हैं, 2001 करते हैं, तो 2000 ईयर डेफिनेटली वो लीप ईयर नहीं आना चाहिए. इट शुड प्रिंट एंटर्ड ईयर इज नॉट अ लीप ईयर. कर रहा है ना प्रिंट? इट्स प्रिंटिंग, सिंपल एज दैट. ईयर चेंज करके देखते हैं, 2002 करके देखते हैं, तो 2002 भी क्या आएगा? इट शुड नॉट बी अ लीप ईयर. प्रिंट कर रहा है ना? करेक्ट. 2003 करके देखते हैं, 2003 को प्रिंट करके देखते हैं इसके 2003 ईयर लीप ईयर है कि नहीं है. तो यस, ये नंबर और ये पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर नहीं है. नाउ अगर मैं 2004 ले लूंगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली रिमाइंडर जीरो आएगा. अगर कंडीशन ट्रू है तो आप इफ वाले ब्लॉक में जाओगे, कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप एल्स वाले ब्लॉक में जाओगे. तो इट विल प्रिंट वेदर, चेक करेगा और बताएगा कि एंटर्ड ईयर लीप ईयर है कि नहीं है. कोई कंफ्यूजन किसी को गाइस? ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? तो गाइस ये फेल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं ये समझा क्या? तो आपका इफ वाला ब्लॉक रहेगा, इफ वाले ब्लॉक के अंडर हम लोग क्या देंगे गाइस? वी आर सपोज टू गिव द कंडीशन, और ये कंडीशन डिसाइड करेगा कि हम लोग इफ वाले ब्लॉक में जाएंगे कि एल्स वाले ब्लॉक में जाएंगे. अगर कंडीशन ट्रू रहा तो हम लोग कौन से वाले ब्लॉक में जाते हैं? इफ में जाते कि एल्स में जाते? हम जाएंगे इफ वाले ब्लॉक में. अगर कंडीशन फॉल्स रहा तो हम कहाँ पर चले जाएंगे? आर कंट्रोल विल बी शिफ्टेड टू द एल्स ब्लॉक. दोनों ब्लॉक एक साथ कभी भी एग्जीक्यूट होने वाले है क्या? डेफिनेटली नो. नो मैटर व्हाट इज द सिचुएशन गाइस, दोनों ब्लॉक एक साथ कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे. सो गाइस इस तरीके से आप अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम को कुछ कंडीशन देना चाहते हो तो कंडीशन आप किस बेसिस पे दोगे? कंडीशन देने के लिए आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करोगे, जिसमें कि हमने इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट देखा. तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट सबको क्लियर है क्या गाइस? इसके रिलेटेड कोई भी कंडीशन आया तो आप कर पाओगे क्या? यस और नो? यस और नो? तो फॉर एग्जांपल गाइस, नाउ लेट्स से मुझे चेक करना है, मुझे चेक करना है कि आप पास हो कि फेल हो. लेट्स से मैं मार्क्स ले लूंगा, अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 35 है, अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 35 या फिर आपके परसेंटेज ग्रेटर देन 35 है तो आप पास की फेल? पास. पास. अगर 35 से लेस है तो फेल. 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 तो क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए? फेल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? ये सुनो. यस. सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स. आपका आपका पासवर्ड करेक्ट है तो ये लॉगिन होगा, अगर पासवर्ड करेक्ट नहीं है तो ये क्या होगा? आपका लॉगिन फेल्ड हो जाएगा, है ना? आपका ओटीपी करेक्ट है तो पेमेंट हो जाएगा, ओटीपी रॉन्ग है तो आपका पेमेंट डिनाइड आ जाएगा. सो इसी तरीके से आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर कंडीशन लिखना है तो कंडीशन लिखने के लिए वी आर गोइंग टू यूज इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स कंडीशन हम लोग यूज करने वाले हैं. कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है तो बताओ मुझे अभी. किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो बता दो. Are we good guys till here?